हमें ये रिश्ता मंजूर। पर पापा मेरी आखिरी मंजिल शादी नहीं है। दरअसल नेहा और निकिता जुड़वा है, ये जबरदस्ती की शादी। तेरा और राजीव का रिश्ता तो भगवान ने ऊपर से बना के भेजा है। मैं निकिता नहीं, अरे निकिता की शादी राजीव से नहीं, नेहा की शादी हो गई है राजीव से। आपके घर में जो बहू बनकर आई है ना, वो निकिता नहीं है बल्कि नेहा है। नेहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता तो जोड़ चुका है बहन जी, मैं अपनी बेटी को उस घर में कभी नहीं भेजूंगा जहाँ उसकी इज्जत नहीं। शर्मज ने हमें डिवोर्स का नोटिस भिजवाया है। इस बात की खुशी है कि एक बेटा मैंने पा लिया। तुम देखना माँ, तुम्हारी ये बेटी सफलता के आसमान की ऊंचाइयों को कैसे छूके दिखाती है। दूसरों के टूटे हुए सपनों की बुनियाद पर अपनी तमन्नाओं के महल खड़े करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। निकिता, मेरा नाम निकिता शर्मा है मैम, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तुमको ये जगह चांदनी के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तुम्हारी इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ कि तुम वो गलतियाँ ना दोहराओ जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में रुकावट बने। तुम्हें तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे मुश्किल रास्ते के लिए। आ निकिता। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो ना, डर लग रहा है। है इसमें बट आपको पता है मेरे चार्जेस 5,000 रुपए लेता हूँ। चांदनी चलो यहाँ से। क्यों? मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती चांदनी, फिलहाल तो नहीं। आपको पैसे मिल जाएंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ ना। एनीथिंग फॉर यू चांदनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो निकिता, ड्रेसेस कुछ लेकर आइए। मैं पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ओह गॉड, थक गए। चांदनी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। अगर तुम नहीं होती तो मैं। हे कम ऑन निकिता, मैंने तुम पर कोई एहसान थोड़े किया है। एक्चुअली क्या है ना निकिता, कि तुम्हें देखकर मुझे अपना टाइम याद आ गया। उस वक्त मेरी मदद करने वाला, मुझे गाइड करने वाला शायद कोई था ही नहीं, इसीलिए। और मैंने तो ऐसी कोई सफलता भी हासिल नहीं करी कि मैं किसी की मदद कर सकूं। हाँ, मदद करने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ मैं। फिर भी चांदनी, तुमने मेरे लिए पैसे भी भर दिए। अरे तो क्या हुआ, पैसे लौटा देना। जब तुम काम करने लगो तो इंटरेस्ट के साथ लौटाना। और हाँ निकिता, एक बात याद रखना, जब तुम बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी तो मुझे ये मत कहना कि चांदनी। कौन चांदनी? हाँ, मैं प्लीज चांदनी ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाऊं, मैं हमेशा याद रखूंगी कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला कदम तुम्हारी मदद से उठाया था मैंने। ध्यान से बी केयरफुल, हाथ मत काट लेना। क्या आंटी, आप भी जितनी दिखती हूँ इतनी नाजुक नहीं हुआ मैं। और वैसे भी आपके लिए थोड़ा हाथ कट भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। वाह, क्या हीरोइन की माफी डायलॉग मार रही है रे। अरे हीरोइन है तो हीरोइन की माफी के डायलॉग मारेगा ना। निकिता निकिता, देख 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 क्या लेके आई, तुम्हारे फोटोग्राफ। मेरे फोटोग्राफ आ गए आंटी, देखिए ना। हाँ, कैसे है? ओ गॉर्जियस, कितनी सुंदर लग रही है तू। ये फोटोग्राफ देखकर तो कोई भी तुझे अपनी पिक्चर में चांस दे देगा। हाँ? मैं प्रोड्यूसर होती तो जरूर दे देती। ओ फोन, एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, हे पार्टी, अरे जरूर आऊंगी,
तुम इनवाइट करोगे तो जरूर आऊंगी। क्या वो भी आ रहे हैं? ओह नाइस। ए लिसन, मैं अपनी एक फ्रेंड को अपने साथ ला सकती हूँ? थैंक यू वेरी मच। क्या करते? अरे वो अपनी ही बरादरी की है, हीरोइन बनने के लिए आई हुई है। ओके बाय। निकिता एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। देखो आज तुम्हारी पोर्टफोलियो आ गए हैं और अभी हमें एक फिल्मी पार्टी में जाने का इनविटेशन। कम ऑन जिटरी। पार्टी और मैं? अरे तू चल। अरे लेकिन चांदनी। चल 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 निकिता। बाय बाय। चल अरे वो निकिता जल्दी आओ, देर हो रही है हमें। वाओ लुकिंग वेरी नाइस। थैंक्स। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? पार्टी पे, फिल्म वालों की है। अरे अब पार्टी पे जाऊंगी तो सूट पहन के बहन जी बन के थोड़ी जाऊंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम चले निकिता, हमें बहुत देर हो रही है। ओके बाय बाय बाय। हेलो बेबी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? कम ऑन बेबी, कम ऑन, लेट्स गो बेबी, कम ऑन, कम ऑन बेबी। निकिता तुम इधर आओ। क्या है आपको डांस करना है? बहुत शौक है डांस करने को। उधर जाके कर। कम निकिता, डोंट वरी। हाँ हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। कहाँ रहती हो तुम? कहीं नहीं, यही रहती हूँ। तुम कहाँ फंसे हो? अरे फसाना टेबल करना पड़ता है। अच्छा छोड़ो, वो देखो पीछे किसको लेकर आई हूँ। माय गॉड, कहाँ से पकड़ रही? मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। जल्दी मिलवा तो जान निकल जाएगी। सब करो मैं। निकिता आओ। निकिता राजा, ये निकिता है और निकिता ये राजा। एक मिनट एक मिनट। आप खड़ा रहिए, ऐसे ही खड़े। You are very beautiful. Thank you. अरे थैंक यू अभी काहे बोल रहे? कोई काम करवा देंगे आपका, अपने थैंक यू बोलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा जी को मेरा। काम? निकिता बड़े काम का आदमी है ये। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सब राजा के छेम में रहते हैं। और निकिता राजा को तुम्हारा सेक्रेटरी बनाने के लिए मैंने राजी कर लिया है। सेक्रेटरी? हाँ निकिता, एक्चुअली बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम बता रहे हैं आपको, इस इंडस्ट्री में एक कहावत है, आप सुंदर हैं कि नहीं मैटर नहीं करता है, आप टैलेंटेड हैं कि नहीं भी मैटर नहीं करता है ना? अगर आपके पास एक बढ़िया सेक्रेटरी है तो ओवरनाइट स्टार बन सकते हैं। हाथ दिखाइए। हाथ दिखाइए। गुरु बहुत अच्छा है आपका, आप बहुत लकी हैं। इस पार्टी में जेडी साहब भी आए हैं, आपसे मीटिंग करवा देते हैं। जेडी? यू मीन टू से वही जिनकी फिल्में? वही बहुत हिट फिल्में दी है अभी, आरा छपरा बलिया सब जगह हिट चल रही है। मैं तुम्हें एडवर्ड भी दिलाऊंगा, बहुत जान पहचान मिली। हेलो सर, सर मीट निकिता, ये जेडी साहब। अरे बता रहा हूँ, तारीफ किया। आई नो, ऑफ कोर्स आई नो मिस्टर जेडी। हाथ हाथ मिलाओ। हेलो सर। तो बहुत सही ढूंढ के लायो, कहाँ से पकड़ी है खूबसूरत चिड़िया? हमारी किस्मत में लिखी थी राजा, खुद ब खुद उड़ कर पहुँच गई हमारे बोर्डिंग हाउस में। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पर और बहुत ऊँचे ऊँचे सपने भी हैं इसके। कॉन्फिडेंस तो अब हमें हो गया है इसको देख के। आखिर इसके सपने पूरे करना भी तो मेरा ही काम है, आफ्टर ऑल सेक्रेटरी हूँ उसका। लेकिन राजा मेरा कमीशन मत भूलना। अब देखो हमसे तो ये कमाई वमाई होती नहीं है और भगवान ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भेज दी है हमारे पास। आगे के हमारे दिन
बड़े आराम से कटने वाले हैं। लेकिन हाँ, जरा क्लासिक किस्म की लड़की है ये, उसकी कीमत भी यू नो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। तुम कोई स्लम से उठ के आए क्या? तुम्हारा भी क्लास है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कमीशन प्रॉपर मिलेगा। लेकिन मुझे तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। शौक था या शौक है? सॉरी, शौक है एक्चुअली। शौक क्या, जुनून ही कह लीजिए। दैट्स वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट योर हॉबीज? एंड हॉबीज में तो यही डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग ऑफ कोर्स। सो आई लव एवरीथिंग अबाउट मूवीज। तो चांदनी बेबी, तैयारी कर लो हर रात एक खूबसूरत पार्टी देने की। अपनी तो किस्मत बदलने वाली है। अब बदलने क्या वाली है, समझ लो बदल ही गई। तुमने भी क्या चिड़िया खोजा, इतना अच्छा खजाना है। अकलमंदी से काम लोगे राजा तो कभी कमी नहीं पड़ेगी, ऐश करेंगे। देखो डार्लिंग, अभी तो अकलमंदी इसी में है कि तुम अपनी इस खुलजा सिमसिम को फटाफट यहाँ से घर ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि और लोगों की नज़रें इस पर पड़े। क्या है ना, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। You understand what I try to? I understand, Raja. I understand. मैं ले जाती हूँ उसको। Experience बोल रहा है तुम्हारा ये। Anyway, take care, हाँ? You too. Bye. Bye. नहीं बस seriously चांदनी, what a fabulous party! अरे अभी तो शुरुआत हुई है निकिता। आगे आगे देखना तुम, इतनी पार्टी के इनविटेशन आएंगे कि हमें चूज करना मुश्किल हो जाएगा। रियली? अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुम्हें। और अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार जो बनने वाली हो। तुम भी बहुत मजाक करती हो। बट सीरियसली, सो एक्साइटेड। इतने सारे लोग मिले और वो अच्छा लगा ना। अरे कुणाल, तुम अभी तक सोए नहीं? बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। कुणाल, हम लोग फिल्मी पार्टी में गए थे, किसी भजन कीर्तन में तो गए नहीं थे ना। ओह एनीवे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कुणाल, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। क्या पार्टी थी, पार्टी में टाइम कैसे चला गया मुझे तो पता ही नहीं चला। ब्यूटिफुल पार्टी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरोज, हीरोइंस, ओह माय गॉड। कुणाल जानते हो, इतने करीब से देखा है मैंने उन्हें। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। गेस व्हाट, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि जिन लोगों का मैं एक हिस्सा बनने जा रही हूँ उनके बीच में खड़ी थी। एंड यू नो व्हाट, चांदनी ने मुझे एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाया। तुम अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज चांदनी को अपनी सीढ़ी मत बनाओ, फिसल कर गिरोगी तो बहुत चोट आएगी। तुम क्या कहना चाहते हो? निकिता, आई मीन टू से, चांदनी तुम्हारे टाइप की नहीं है। मेरे टाइप की? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ट्राई टू अंडरस्टैंड, चांदनी रिस्पेक्टेबल नहीं मानी जाती। कुणाल, देखो कुणाल, तुम्हारे और चांदनी के बीच जो भी डिफरेंसेस है, आई डोंट नो एनीथिंग। कोई चांदनी की इज्जत करे या ना करे, लेकिन चांदनी जो मेरे लिए कर रही है ना, फॉर दैट आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। अंडरस्टैंड? नाउ गुड नाइट। हेलो। हेलो जेडी, चांदनी बोल रही हूँ। चांदनी देखो, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है। आई नो जेडी, मेरे लिए अब तुम्हारे पास कहाँ रोल होगा। एनीवे, मैं निकिता की बात कर रही हूँ। निकिता? कौन निकिता? इतनी जल्दी भूल गए? रात को ही तो राजा ने इंट्रोड्यूस कराया था तुम्हें। अरे राजा का तो काम ही यही है, इसी की तो खाता है वो। राजा की छोड़ो जेडी, मैं निकिता शर्मा की बात कर रही हूँ जो इंदौर से आई है हीरोइन बनने के लिए। ओह यस 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 यस, Now I remember, वही ना जिसके फादर आर्मी में थे। हाँ हाँ हाँ, याद आया। कब भेजू उसे?
देखो चांदनी, मेरे पास उसके लिए भी अभी कोई रोल नहीं है। पर जेडी शी इज वेरी गुड, अपनी एक्टिंग पर बहुत भरोसा है उसे। ओके वेरी गुड, तो फिर ऐसा करो कि उसे मेरे ऑफिस में भेज दो, हम उसका स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। ओके कब भेजूं? अब तुम इतनी सिफारिश कर रही हो तो जल्दी मिलना पड़ेगा। आज रात को 8 बजे। ओके शी विल बी देयर। निकिता, निकिता गैस करो, मेरे मोबाइल पर किसका फोन आया था? किसका? जेडी का। जेडी का? तुम्हारे लिए था। मेरे लिए जेडी का फोन? हाँ, तभी मुझे जलन हो रही है तुमसे। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। उसे तुमने कल स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। स्क्रीन टेस्ट के लिए? ओह गॉड चांदनी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था जब उसका फोन मेरे मोबाइल पर आया था। यू नो, मैंने खुद बात की थी उससे। क्या बात है निकिता, मुझे लग रहा है कि कल रात की पार्टी में तुमने उसे खूब इंप्रेस किया। पता है क्या, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। टचवुड, ओह गॉड टचवुड। चांदनी, एक बार टेस्ट में पास हो जाऊं पर आई एम कॉन्फिडेंट, एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न्ड आई हैव नो टेंशन। निकिता तुम्हें मालूम है, असली हीरे की पहचान असली चोरी ही कर सकता है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई कलाकार को जेडी ने खूब पहचान लिया है, और अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि राजा कितने काम का आदमी है। उसने फर्स्ट मीटिंग में ही तुम्हें कितने इंपॉर्टेंट आदमी से मिलवाया। अच्छा चांदनी, मुझे अपने फोटोग्राफ्स लेके जाना होगा ना? ऑफ कोर्स, फोटोग्राफ साथ लेकर जाना, और आपको ठीक टाइम पर हाँ जेडी के ऑफिस में पहुंच जाना। हाँ रात को, क्योंकि दिन में तो वो शूटिंग में बिजी रहता है ना, रात को तो टाइम होता है उसके पास। निकिता परेशान क्यों होती हो, ये मुंबई है और यहाँ पे रात दिन सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें हीरोइन बनना है ना? हाँ। तो फिर रात दिन ये सब सोचना छोड़ो ना तुम। यू राइट चांदनी, मैं एकदम मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस एक ब्रेक मिल जाए ना। अरे ब्रेक तो तुम्हें मिल गया समझो। सो हैप्पी, आई विश मैं अपनी मम्मी से बात कर पाती। प्रॉब्लम क्या है, बात करो मोबाइल से। क्यों? नहीं निकिता, इसका जो बिल आएगा वो मैं तुमसे ही वसूल करूंगी, क्योंकि अब तो तुम हीरोइन बनने वाली हो। नहीं नहीं, फिर भी नहीं। इसका मतलब तुम मुझे अपना समझती नहीं हो ना? नहीं चांदनी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, दो मुझे मोबाइल। ये लो, तुम बात करो, मैं अभी आती हूँ। ओके हेलो। ये मौसम वही है, वही है।